है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। इटावा में फर्जी IRS बनकर ठगी करने वाला और उसके साथियों का इटावा पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इटावा के तेज तर्रार SSP के निर्देशन में थाना जसवंत नगर पुलिस को फर्जी IRS मनीष इटावा समेत अन्य को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता मिली है। इसके पूर्व भी इटावा के थाना सिविल लाइन में 2020 में फर्जी IRS मनीष को गिरफ्तार किया जा चुका है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम को नगद रुपए इनाम देने की घोषणा की। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक राइफल, एक रिवॉल्वर, 36 जिंदा कारतूस, 6 खोखा कारतूस, एक चार पहिया वाहन जब्त किया। आपको बता दें कि लोगों को ठगने का काम फर्जी IRS मनीष व उनके टीम करते थे। SSP संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में लगातार हो रही ताबड़तोड़ कार्यवाही से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। पर जसवंत नगर इंस्पेक्टर मुकेश सोलंकी उस सूचना पर सक्रिय होते हैं और सक्रिय होने के बाद जब उस गांव के लिए प्रस्थान करते हैं तो उन्होंने पीछा करते हुए गाड़ी, सूचना आती काले रंग की गाड़ी में कुछ बदमाश बैठे हुए हैं जो कि फायर आर्म्स, जो बंदूक वगैरह लेकर के चल रहे हैं और उनकी गाड़ी में फायर आर्म्स है। ये सूचना पर वो सक्रिय होते हैं। सक्रिय होने के बाद जब उन्होंने इंटरसेप्ट करके इसको चेक किया बलरई मोड़ पर, तो इनके पास से रिवॉल्वर और एक मॉडिफाइड राइफल बरामद हुई जो आपके सामने रखी हुई है, और 36 कारतूस और 6 खोखा कारतूस 315 के और 32 बोर के बरामद होते हैं, और अन्य धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है। 2 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं कल जसवंत नगर इटावा में तथा उसकी तफ्तीश चल रही है। बाकी इनके 5 आपराधिक इतिहास पहले से भी हैं। लवकुश के प्रवीण के भी और भी हत्या और किडनैपिंग और तथा हत्या के मुकदमे दर्ज हैं तथा अंकित और ये जो राजवीर है इनके भी अभियोग आज की डेट में इनके खिलाफ अपराधिक इतिहास मिल गया। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।